अभी हम लोगों ने जो है वो चैप्टर थ्री के फॉर्मूले सारे देखे थे, जो फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज होने, तो अपने पास बुक्स और कैलकुलेटर लाजमी रखिएगा न्यूमेरिकल्स के ये रिकॉर्डिंग देखते वक्त, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पढ़ता जाता हूँ, बताता समझाता जाता हूँ कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10^3 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रीजन वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड। क्या मकसद हुआ, आप लोग सब जानते हैं, मैं बना के डायग्राम दिखा दूं आप लोगों को, कि अब तो खैर टेलीविजन सेट्स नहीं होते आप लोगों के घरों में, LCDs और LEDs का दौर है, ठीक है। लेकिन जब टेलीविजन सेट हुआ करते थे तो ये आपके पास हो गई टेलीविजन की स्क्रीन, और पीछे से टीवी सेट जो आपका जो है कुछ इस टाइप का हुआ करता था, ठीक है, ये कुछ टीवी सेट होता हुआ करता था, पीछे लगी होती थी इसकी इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी जो कि बिल्कुल स्क्रीन से आके लिंक्ड होती थी। क्या होती थी बेटा, स्क्रीन से आके लिंक्ड हो जाया करती थी आपके पास इलेक्ट्रॉन गन इस टेलीविजन सेट की, ठीक है। इसमें से निकलते थे इलेक्ट्रॉन, क्यों निकलते थे, जाके टकराते थे स्क्रीन के ऊपर और वो पिक्सल्स की जनरेशन हो जाया करती थी जिससे हमें पिक्चर नजर आती है बिल्कुल सही तरीके से। अच्छा, अब क्या है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी बुक में लिखी हुई आप लोगों के, इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसकी है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डाटा की, और जिस तरह क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बिल्कुल पेपर में भी उसी तरह करके आइएगा, अपनी नॉलेज मत लिखिएगा, ठीक है। देखें VI क्या है, आपके पास बुक में लिखा हुआ है, बुक्स आप लोगों के पास मौजूद होंगी, 10^3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ और चलते 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 यहाँ पर आ गया, जो टीवी का स्क्रीन वाला एरिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सेलरेटेड होता है, कि यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज होता है, हाईली चार्ज होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देगा, हाईली एक्सेलरेट कर देगा। हाईली एक्सेलरेट क्या कर देगा, जब यहाँ आके इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराने के बाद वो स्पीड उसकी तेज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी स्पीड उसकी, उसकी स्पीड हो जाएगी, आपके पास बुक्स में वैल्यूज लिखी हुई है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बुक्स अपने पास रखिएगा, क्या हो जाएगी VF 4 × 5 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के यहाँ से जनरेट होने में, आके स्ट्राइक करने में, स्ट्राइक करके वापस जाने में टाइम कितना लगा, टाइम भी लिख देते हैं, टाइम कितना लगा बेटा, 1 μs का टाइम लगा, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, 1 × −6 सेकेंड, ये क्या हो गया आपके पास, टाइम पे हो गया उस इलेक्ट्रॉन का जो कि इलेक्ट्रॉन गन से जनरेट हुआ था, आके टकराया था स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन से वापस होया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गई। आपसे कह रहे हैं बेटा एक बात बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली लगी हुई है टीवी में उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। तो जाहिर है कि जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होगा जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने कवर किया होगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ भी होगी। उसके अलावा एक और बात पूछते हैं कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑल्सो, तो रिक्वायर क्या हो गया, रिक्वायर आपके पास हो गया दो चीज़ें रिक्वायर हैं, कौन कौन सी, एक एक्सेलरेशन चाहिए आपको और दूसरी आपको क्या चाहिए, चाहिए ये देखें, एक तो एक्सेलरेशन चाहिए, दूसरी आपको चाहिए डिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का, वो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, तीन फॉर्मूले लिखवाए मैंने आपको, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाई हैं, कौन कौन सी, सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जल्दी से बताइए, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT होती है, ठीक है, क्या होती है बेटा, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। अब इस फॉर्मूले से मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकता हूं जो कि क्या होता है, A इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन T। VF की वैल्यू क्या है, सामने लिखी नजर आ रही होगी, VF की वैल्यू है 4 × 5, VI की क्या है 10 × 3, टाइम आपके पास क्या आ गया 1 × −6। व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन योर कैलकुलेटर, द कैलकुलेटर शोस, देख लें आप लोग फ्रैक्शन, बस ये है कि कैलकुलेटर सही यूज कीजिएगा, फिर बाद में मत कीजिए सर आंसर नहीं आ रहा, कैलकुलेटर सही यूज करेंगे, फ्रैक्शन वाला ऑप्शन यूज करेंगे, न्यूमरेटर पे ये वैल्यूज लिखिएगा, डिनोमिनेटर पे ये वैल्यूज लिखिएगा, डिवाइड मत करवाइएगा, अच्छे वाले कैलकुलेटर ले लें एक बार बस, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 399 × 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आ गई एक्सेलरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है टेलीविजन सेट के अंदर, किसके, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। अब चेक करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमारी है, वो क्या है दूसरी रिक्वायरमेंट, S फाइंड आउट करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब भी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होती है वी हैव टू फॉर्मूला, दैट इज S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। So we have third equation, that is 2AS equals to V
एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, वो भी यूज कर सकते थे, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी भी स्क्वायर भी यूज कर सकते थे हम, लेकिन उससे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, टाइम यूज करना पड़ेगा उसके अंदर, तो इससे ज्यादा ईजी है क्या निकालना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखें बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या ये 399 एक्सपोनेंशियल 9 मीटर पर सेकंड आई है, तो क्या आ जाएगा 399 एक्सपोनेंशियल 9, ठीक है, एस रिमेन सेम, एस वैसे ही का वैसे ही रहेगा, उसके बाद वी एफ की वैल्यू क्या है वो लिखी हुई 4 एक्सपोनेंशियल 5, वी एफ की जगह क्या आ जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल 5 का स्क्वायर, माइनस रिमेन सेम माइनस आ गया, वी आई क्या है 10 एक्सपोनेंशियल 3 का स्क्वायर, ठीक होगी बात यहां तक। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे यू विल गेट 798 एक्सपोनेंशियल 9, एस वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ठीक हो गई बात यहां तक। फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 16, तो यहां पे 16 आ गया, ठीक है, पावर ओवर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा 10 की पावर 10, फिर अगेन 10 की पावर पावर ओवर पावर है क्या हो जाएगा 10 एक्सपोनेंशियल 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक हो गई बात यहां तक। उसके बाद 798 एक्सपोनेंशियल 9 इज मल्टीप्लाइंग हियर, व्हेन इट इज शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड इट विल डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है, तो क्या हो गया s इज इक्वल्स टू 16 एक्सपोनेंशियल 10 माइनस 10 एक्सपोनेंशियल 6 ओवर 798 एक्सपोनेंशियल 9, सो यू विल गेट s इज इक्वल्स टू 0.2005 मीटर्स, ठीक हो गई बात यहां तक, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा आप लोगों के ये, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों का आंसर जो एक्सपोनेंशियल में भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि घबराइएगा मत, यहां पे क्या आ जाए 2.005 एक्सपोनेंशियल माइनस 4, ये भी आ सकता है, ठीक है, तो ये आंसर भी सही है, एक्सपोनेंशियल में आ रहा है वो आंसर भी सही है। अगर नहीं समझ में आया होगा न्यूमेरिकल तो मुझसे एक बार फिर पूछ लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे, तो अपने सामने बुक्स रखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कहते हैं अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें कहते हैं अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, आप लोग देखते हैं कि हर जितनी भी मेन शाहराह वगैरह हैं वहाँ पे सिग्नल्स लगे हुए हैं, ठीक है, जब सिग्नल वो रेड हो जाता है तो आप लोग जाहिर है अपनी गाड़ी और मोटरबाइक जो हैं वो रेस्ट पे ले आते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है। अब आप इंतजार कर रहे थे सिग्नल ग्रीन होने का कि अपनी कार चलाएं, ठीक है, तो जैसे वो ग्रीन हुआ आपने एक्सीलेटर प्रेस किया और उस गाड़ी ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर ली। पीछे से एक बस आ रही थी, ठीक है, उसने देख लिया कि जो है सिग्नल ग्रीन हो चुका है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है ब्रेक लगाने की, तो जाहिर है उसकी स्पीड क्या रही कांस्टेंट रही, उसने अपनी स्पीड जो है वो चेंज नहीं की। जब स्पीड कांस्टेंट रही तो उस बस की स्पीड भी दी हुई सवाल के अंदर 10 मीटर पर सेकंड, ओवरटेक्स एंड पासेस द कार, जाहिर है कि गाड़ी जो है फर्ज कर लें कि 2 मार्कर्स हैं, ये रेड वाला जो मार्कर है वो गाड़ी है रुकी हुई ग्रीन सिग्नल पे, पीछे से आ रही है बस, ठीक है, जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ गाड़ी चलना शुरू हुई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ठीक है बेटा, ये पीछे आ रही थी बस 10 मीटर पर सेकंड से, बस इसको ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई, ठीक है। अब जब बस आगे निकल गई ओवरटेक करते हुए गाड़ी वाले को गुस्सा आया कि मैं तो पहले से खड़ा हुआ सिग्नल पे, मुझसे कैसे आगे निकला ये, ठीक है। अब बोर्ड की मर्जी, पीछे वो मोटरसाइकिल लगा दे बस लगा दे, जो भी आपके पास मोटरसाइकिल हो बस हो, सवाल का जो मेथड है वो ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ फार बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस, कितनी मतलब जहां से स्टार्ट हुआ सिग्नल से लेके कितनी दूर बाद जाकर गाड़ी दोबारा बस को ओवरटेक कर देगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपसे पूछते हैं हाउ फास्ट विल द कार मूविंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब गाड़ी ओवरटेक कर रही होगी बस को तो उस वक्त गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी। आइए देखते हैं कि क्या आप चाह रहे हैं हमसे, ये किस चीज़ की वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम बात करते हैं फॉर कार की। सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे कि सर गाड़ी का डाटा हमें क्या दिया हुआ है, फॉर कार की बात करते हैं। फॉर कार की अगर बात करें तो गाड़ी पहले रुकी हुई थी सिग्नल पे, जब रुकी हुई है रेस्ट पे कोई बॉडी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है वी आई इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन जनरेट हो गई, एक्सीलरेशन कितनी हो गई गाड़ी की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ गाड़ी का, अब बात की है किसकी, बस की बात की है उन्होंने। जब बस की बात की
बस में क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बस की कांस्टेंट स्पीड दी हुई है। वो कांस्टेंट स्पीड क्या दी हुई है आपको, v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, ये दी हुई है आपको बस की स्पीड। ठीक है, आपसे चाहते क्या है, पहला सवाल, पहली रिक्वायरमेंट क्या की है आपसे इन्होंने, पहली रिक्वायरमेंट की है कि बेटा हमको क्या फाइंड आउट कर दो। ये कह रहे हैं आपसे सबसे पहली बात कि कितना डिस्टेंस के बाद गाड़ी ने अगेन बस को ओवरटेक कर दिया, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी ओवरटेक कर रही होगी बस को, तो उस वक्त गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि vf। एक बार सवाल दोबारा समझ लो, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ठीक है, रुकी हुई थी सिग्नल पे, सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ी चलना शुरू की, पीछे से बस आ रही है, बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, बस ने गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। अब गाड़ी वाले को गुस्सा आया, गाड़ी वाले एक्सलेरेशन बढ़ाई और फिर बस को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो ओवरटेक कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद करेगा, वो क्या हो जाएगा, s। ठीक है, उसके बाद जब ओवरटेक कर रहा होगा उस वक्त गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, वो क्या होगी, vf। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं दोनों चीजें बारी बारी, हेडिंग डालेंगे आप लोग सबसे पहले सॉल्यूशन की। देखिए s फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आप जानते हैं, वी हैव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक हो गई बात यहां तक। अच्छा जनाब, तो s vi आपके पास क्या है, जीरो, टाइम t है, नहीं पता टाइम ना हम लोगों को, हाफ मल्टीप्लाई बाय a क्या है, एक्सीलरेशन क्या गाड़ी की, 2 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक 2 नीचे है, एक 2 ऊपर है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, व्हेन जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग द आंसर विल बी जीरो, इट मींस कि ये भी जीरो हो गया, तो क्या बन गया, s इज इक्वल्स टू t स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया t स्क्वायर रहेगा, t को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 हो गया। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि s बराबर किसके हो गया, टी स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम टाइम फाइंड आउट कर लें तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, यहाँ तक मामला समझ में आ गया। अब बात करते हैं बस की, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला होता है स्पीड का क्या, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड, जब वहां शिफ्ट करवाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू vt बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर रहे हो तुम बस की, यहां से बस की बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, यहां से बात कर रहे हैं हम किसकी, बस की बात कर रहे हैं यहां से। अच्छा, s इक्वल्स टू vt, बस की स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, 10 आ गया, टाइम वैसे का वैसे ही रहा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि s क्या हो गया, 10t हो गया, ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। And as we know that when two equations are equal to the same variable, then we have to compare both of the equations. ठीक है, तो हमने दोनों equations को compare कर दिया, इस equation number 1 को और equation number 2 को, दोनों को कर लिया compare. जब compare करेंगे तो क्या हो जाएगा, t square, यहाँ लिख भी देना कि क्या कर रहे हो ताकि भूल ना जाओ, by comparing equation 1 and equation number 2. जब दोनों equations को तुमने compare किया, so you get t स्क्वायर इक्वल्स टू 10t। ठीक है, अब यहां 2t मौजूद है, यहां 1t है, तो क्या करो, 1t से 1t को कैंसिल कर दो, 1t से 1t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो टाइम का, टाइम की वैल्यू क्या हो गई, आ गई हमारे पास t इज इक्वल्स टू 10 seconds, यानी कि पूरा इस प्रोसेस होने में, बस को दोबारा ओवरटेक करने में गाड़ी ने टाइम कितना लगाया, जस्ट 10 seconds का टाइम लगाया। ठीक है, टाइम आ गया, अब टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करवाओ या इस इक्वेशन में पुट करवाओ, बड़ी आसानी से डिस्टेंस भी आ जाएगा, जहां दिल करे यहां दिल करे यहां पुट करवा दो, यहां दिल करे यहां पुट करवा दो, आई थिंक ये ज्यादा आसान है, यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में टी की वैल्यू पुट कर दी, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 2। जब 2 में t की वैल्यू पुट की तो तुम्हें क्या हासिल हो गया, s इज इक्वल्स टू 10 into 10, इसका मतलब यह हुआ कि जो गाड़ी ने ओवरटेक किया था बस को, वो जस्ट 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी ने बस को ओवरटेक कर लिया, पहला आंसर तो हमारे पास आ गया। दूसरा आंसर क्या था कि सर जब गाड़ी ओवरटेक कर रही थी तब वेलोसिटी क्या होगी गाड़ी की, हम जानते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव vf इक्वल्स टू vi प्लस at, द वैल्यू ऑफ vi इज 0 बिकॉज गाड़ी रेस्ट पे थी। ठीक है, a क्या है हमारे पास, 2, टाइम कितना आया 10 seconds। ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 विद 10 द आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकंड, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया 20 हो गया, 20 प्लस 0 क्या होता है 20 होता है। ठीक है,
तो बात समझ में क्या आई कि जब गाड़ी बस को ओवरटेक कर रही होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, एक और बात ये कि इसकी बिल्कुल एग्जांपल एक और बुक में भी दी हुई है, पेज नंबर 60 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 3.1, वो आपका होमवर्क है, लाजमी कर लीजिएगा। जस्ट वैल्यूज चेंज है, नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद 3.3 करेंगे हम लोग।